कोरोना महामारी की वजह से उपजे संकट काल में एक तस्वीर चेहरे पर मुस्कान और उम्मीद भरने वाली देखने को मिली। रायपुर एम्स का नर्सिंग स्टाफ न सिर्फ मरीज के प्रति अपनी जवाबदारी निभा रहा है, बल्कि उससे आगे जाकर इस लड़ाई में इंसानियत का बेहतर उदाहरण पेश कर रहा है। दरअसल कोरबा से आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव है। महिला के दो बच्चे हैं, जिनकी देखरेख भी एम्स की टीम कर रही है। एक बच्चे की उम्र 22 महीने जबकि दूसरे की उम्र महज 3 महीने ही है। 3 महीने के बच्चे के लिए उसकी माँ अब नर्स ही बन गई है। पर्सनल प्रोटेक्शन किट पहनकर वो बच्चे को दुलार कर रही है, दूध पिला रही है और उसके साथ खेल रही है। आप भी पहले इस पूरे वीडियो को देखिए। बच्चों को फिलहाल माँ से अलग सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि उनमें भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। कोरोना वायरस COVID-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिटेड है और लगातार डॉक्टर की देखरेख में है, निगरानी में है और उनका इलाज जारी है। तो ये पेशेंट्स हम लोग यूजुअली तब तक रखते हैं जब तक इनके जब दो कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं, तब इन ऐसे पेशेंट्स का डिस्चार्ज होता है। तो अभी वो क्योंकि उनकी जांच जारी है, इलाज जारी है, तो पेशेंट्स अभी वार्ड में हैं। इनके साथ ऐसे दो बच्चे भी हैं जो इन पेशेंट्स के साथ आए थे, क्योंकि उसमें से जो दो बेबीज़ हैं, एक बच्ची की उम्र है 22 महीने और दूसरे बच्चे की उम्र है 3 महीने। तो इनकी मदर जो कटघरा से है, कोरबा से, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आई थी, तो इनकी देखरेख अलग से हमारे हॉस्पिटल में हो रही थी। शुरुआत में इनकी नानी भी आई थी वहाँ से उनका देखरेख करने के लिए, लेकिन बाद में ये भी देखा गया कि नानी जी जो है उनकी उनका भी COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो तब से ये दोनों बच्चे हमारे यहीं पे हैं, अलग उनको रखा गया है। जो 22 महीने की बच्ची है उसके फादर देखरेख कर रहे हैं और जो 3 महीने का जो बच्चा है उसकी देखरेख हमारी नर्सिंग स्टाफ कर रहे हैं। तो उनको अलग रखा गया बच्चे को और नॉर्मली उसका फीडिंग वगैरह जो भी करना है प्रॉपर केयर ले रहे हैं और प्रॉपर जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस पहनना है वो सब पहन के इन सब दोनों बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। आपको ये बता दें कि इस बच्ची के परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित है, हालांकि इनकी स्थिति स्थिर है। लेकिन ऊपर वाले का चमत्कार देखिए कि ये दोनों बच्चे कोरोना नेगेटिव है। 22 महीने का बच्चा पिता के साथ रह रहा है, लेकिन इस छोटे बच्चे की फीडिंग और उसकी देखभाल एम्स रायपुर की टीम कर रही है।